किस में है एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री यानी क्रोमियम इज इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रहती है फोर एस वन थ्री डी फाइव अभी हमें चाहिए क्रोमियम थ्री प्लस तो ये हो जाएगा डी थ्री ठीक है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हमारे पास डी थ्री है अगर हम बात करें इसे कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट टर्म की और साथ में मूलिकन टर्म्स उसके लिए तो एक चीज देखो एक हम टेबल बनाते हैं आपको आपके सिर्फ रिविजन हो जाएगी इससे तो देखो यहां मैंने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यहां लिखेंगे कॉन्फिग्रेशन और यहां लिखेंगे term, term, और यहां लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो देखो बहुत सिंपल है सबसे पहले एक काम करते हैं मैंने यहां पे लिखी लेट्स से हमारी कॉन्फिग्रेशन कौन सी है d1 है d2 भी हो सकती है d3 भी हो सकती है d4 फोर एंड डी ये हमने लिखा इसके बाद टोटल हमारे पास d में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो अगर मैं 10 में से वन माइनस टू कितना बचेगा 9 बचेगा सो so d1 वन एंड डी के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म और फर्स्ट साइडेड स्टेट टर्म सेम होती है ऐसे ही टेन माइनस कितना होता है एट तो डी एट एंड डी डी टू एंड डी एट के लिए सेम रहती हैं ऐसे यहाँ पर टेन माइनस थ्री कितना सेवन डी थ्री एंड डी सेवन के लिए सेम रहती हैं टेन माइनस फोर सिक्स होता है सो डी फोर एंड डी सिक्स के लिए सेम रहती है, है? एंड फाइव so तो है डी फाइव है ओके okay, तो यहाँ पर ना आप एक काम कर सकते हो सर आपको मैं याद करने का मेथड बता रही हूं यहाँ पर ये डी वन है ना तो वन में एक ऐड करो कितना आएगा टू पहले तो लिख लो एक काम करो डी एफ एफ डी एस आप ये डी एफ एफ डी एस बोल के देखो दो तीन बार आपको वैसे याद हाँ हो जाएगा डी एफ एफ डी एस ठीक है अब वन में एक और ऐड कर दो डी थ्री मे ऐड करो फोर फोर में ऐड करो वन एड करो सिक्स कर ऐसे करके हम ये याद कर सकते हैं ठीक है अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट साइड स्टेट की टर्म नहीं है यहाँ पर जो एफ वाले हैं इनमें हम फर्स्ट साइड स्टेट टर्म कंसिडर करेंगे और यहां पर होती है पी थ्री है यहाँ पर भी थ्री और फोर है यहां पर भी फोर इस तरह से करके आप याद कर सकते हो ये हमें बार बार और डायग्राम एगर बनाने में यूज होने वाली है तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताई है उससे आपको और हेल्प हो जाएगी याद करने में इतना क्लियर है तो हमारे पास अभी क्रोमियम क्रोम प्लस में डी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है सो डी थ्री में हम ये बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट तो हमारे पास फोर एफ है और फर्स्ट फर्स्टेड स्टेट हमारे पास फोर पी है तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पर है फोर एफ और अपने पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है फोर पी अगर हम बात करें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोलिकन टर्म ये फोर ठीक है ऐसे अगर हम बात करें फोर पी के कॉरेस्पॉन्डिंग मोलिकन टर्म्स की तो क्या होता है यहाँ पर टी वन जी इन दोनों को डिफरेंशियट कैसे करेंगे इसके ब्रैकेट में देंगे पी यानी कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग मोलिकन टर्म सिंबल है में इस तरह से दिखा सकते हैं तो ये हमारे पास मोलिकन टर्म्स तो यहां पर आ गई अब हमें इनके एनर्जी और फाइंड आउट करनी है ठीक है तो यहां पर वो फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या है D3 थ्री कॉन्फिग्रेशन राइट तो D3 के लिए पहले यहां पर बनाते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है T2G टू जी करके बनाएंगे D3 है हमने तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए यहां पर इस तरह से करके ठीक है अब अगर मैं यहां पर एक ट्रांजिशन करवा दूं, फर्स्ट ट्रांजिशन तो क्या होगा एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर चला चला जाएगा है ना तो यहां पर बचेंगे दो एक चला गया एक और ट्रांजिशन करवा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा ऊपर यहां पे बचेगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अलावा हम नेक्स्ट इसका ट्रांजिशन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यह अपनी स्पिन चेंज करेगा और डेल्टा एस क्या होना चाहिए डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू तो जीरो यानी कि स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए वही वाला ट्रांजिशन अलाउड होता है तो ठीक है यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन पॉसिबल थे ऐसे करके हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ट्रांसफर करवा दिया ठीक है अब हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी निकाल है सी की वैल्यू अब हमें निकालनी है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ एस सी की वैल्यू हमें कहते कितने थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कितना लिखेंगे सी एफ एस सी कितनी जाएगी माइनस थ्री इंटू या फिर एस लिखो थ्री इंटू माइनस पॉइंट फोर डेल्टा नॉट जाएगी माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा नोट इसे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इंटू माइनस पॉइंट फोर प्लस वन इलेक्ट्रॉन इंटू पॉइंट सिक्स और ये डेल्टा नोट कितनी आ जाएगी माइनस पॉइंट एट प्लस पॉइंट सिक्स यानी कि माइनस पॉइंट टू डेल्टा नोट इसे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर वन इंटू माइनस पॉइंट फोर प्लस टू इंटू पॉइंट सिक्स डेल्टा नोट आएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस पॉइंट फोर प्लस वन पॉइंट टू यानी कि पॉइंट एट डेल्टा नोट इस तरह से अब हमें सिंबल क्या है नॉन डी जेनरेट है तो हमारे पास क्या क्या है देखो फोर ए टू जी फोर टी टू जी फोर टी वन जी एक एफ वाली टर्म है और एक हमारे पास पी वाली टर्म है इनको असाइन करना है ए किसके लिए यूज करते हैं ए इज फोर नॉन डिजनरेट टी डी फोर ट्रिपली डी है ना तो यहां पर आते हैं ये अपने पास नॉन डिजनरेट है तो इसको हमने असाइन कर दिया फोर ए टू जी यहां पर आते हैं ये अपने पास नॉन डिजनरेट और ये कहे ट्रिपली डी जनरेट तो इसे कॉरेस्पोडिंग कर सकते हैं यहां पर असाइन कर देंगे इसको फोर टी वन जी सही है इसके बाद यहां पर देखो इसे कॉरेस्पोर्डिंग हम असाइन कर देंगे फोर टी टू जी एंड यहाँ पर एक और असाइन कर देंगे फोर टी वन इस तरह से अभी हमने असाइन कर दिया यहाँ पर अब हमें और डायग्राम बनाना है अब हमें बनाना है और डायग्राम कैसे बना सकते हैं अच्छा गाइज एक और चीज अगर आपको कंफ्यूजन ये है कि फोर टी वन मैंने यहाँ क्यों लिखा और यहाँ पे हमने F वाला क्यों लिखा है तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं मैं तो आपको थोड़ा सा बता देती तो हूँ जल्दी जल्दी देखो यहाँ पर ना हम ये बोल रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन ये वाला है तो या तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा या फिर ये डी जेड स्क्वायर में होगा है ना इस तरह से हम बोल सकते हैं और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर ये यह हम क्या बोल सकते हैं लेट्स से इसको हमने बोल दिया डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड तो ये तीनों ही क्या है अपने पास डी है ना मतलब बेसिकली एलर्जी सेम है इनकी तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी में भी हो सकते हैं हमने ऐसे दिखाया है इसको तो हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना तभी इसको हम बोलेंगे रहे ट्रिपली डी जनरेट है और ये वाला डबली डी जनरेट है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें डिसाइड करना होता है कौन से वाली टर्म्स हम देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से दिखाया तो मैं इसमें ना हम अलग अलग केसेस बनाते हैं लेट से पहली बार में क्या हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन से डी तो एक्स वाई में है और लेट से एक डी एक्स जेड में है सपोज ठीक है और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन किसमें मान लिया हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है इस तरह से मान लिया या फिर क्या हो सकता है नीचे वाला इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकता है डी एक्स वाई में या फिर डी वाई जेड में और ऊपर वाला हो सकता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इस तरह से या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि किलेट से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक तो वो डी एक्स वाई में है और एक डी वाई जेड में है या फिर डी जेड स्क्वायर में होगा इस तरह से करके तो मेन पॉइंट यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर यहाँ पर डी जेड स्क्वायर वाले केस में क्या होगा सिर्फ एक ही एक्सेस इन्वॉल्व हो रखी है तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा है ना रिपल्शन होने से क्या होगा एनर्जी भी बढ़ेगी तो यहां पर हम ये बोल रहे हैं जो टी वन जी पी वाली एनर्जी है वो इससे ज्यादा होगी क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है और ये ग्राउंड स्टेट की है इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने जो ज्यादा एनर्जी वाली टर्म थी वो इसको दे दी और जो कम वाली थी वो इसको दे दी इस तरह से हमने साइन कर दिया इसको इसके बाद हमें और एगल बनाना है यहाँ पर ओके हमें बनाना है तो इस तरह से बनाते हैं इस तरह से बना रहे हैं। इसकी एनर्जी सबसे कम है नेगेटिव है ना तो पे हमने जीरो डिसाइड कर लिया, तो माइनस माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा नोट और ये टर्म कौन सी है ये टर्म है अपने पास फोर ए टू जी और एनर्जी कितनी है इसकी माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा नोट ऐसे ही फिर आधे यहां पर ये भी जीरो से कम इसको भी यहां दिखाएंगे कौन सी टर्म है अब ये चीज देखो ये तो एक्साइटेड स्टेट की टर्म है ग्राउंड स्टेट की तो ये वाली है है ना तो यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट की टर्म असाइन कर देंगे फोर टी टू जी ऐसे ये हमारी ग्राउंड स्टेट है लेट्स से यहाँ पर हमने फोर पी लिखा हमारे लिख दिया हमने ग्राउंड स्टेट इस तरह से करके इसके कॉरिस्पॉन्डिंग सी एफ एस ए माइनस पॉइंट टू डेल्टा नोट फिर आते हैं यहाँ पर कितनी है ये पॉइंट एट डेल्टा नोट तो यहाँ पर दिखाया हमने फोर टी वन जी एफ वाली है ये और एनर्जी सी एफ एस एस की कितनी पॉइंट एट डेल्टा नोट सही है अब यहाँ पर आओ इसके लिए कौन सी टर्म है फोर टी वन जी पी ये भी फोर टी वन जी और ये भी फोर टी वन जी सिमिट्री सेम हो गई दैट मीन्स आपस में रिपेल करेंगे तो अगर रिपेल करेंगे तो हमको थोड़ा सा इसे घुमा के दिखाएंगे थोड़ा सा टर्न कर देंगे आगे जाके ऐसे दिखा देंगे ये अपने पास क्या है फोर टी वन जी पी अब रिपेल तो फिर ये भी होगी तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे कि रिपल्शन हो रहा है इस तरह से करके ठीक है ओके अब अगर हमें डिसाइड करने हो यहां पे ट्रांजिशन कौन से कौन से होंगे तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे ऐसे दिखा सकते हैं ये वाला फर्स्ट ट्रांजिशन ये सेकेंड ट्रांजिशन एंड ये वाला कौन सा अपना थर्ड ट्रांजिशन है एनर्जी डिफरेंस सबसे कम यहां पर है उसके बाद यहां पर और फिर यहां यही है ना अब एक चीज देखो हमारे पास क्वेश्चन में तीन वेव नंबर दे रखे हैं यानी कि एनर्जी क्या होती है हमारे पास एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो जितना ज़्यादा होगा वेव नंबर भी ज़्यादा होगा दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है और मिनिमम ये वाली है वन फोर नाइन डबल जीरो तो हम ये बोल सकते हैं ये एनर्जी डिफरेंस कितना है वन फोर नाइन डबल ज़ीरो कितना है वन फोर नाइन डबल जीरो पर सेंटीमीटर ऐसे ही सेकेंड वाली वैल्यू कौन सी है उसको लिख देंगे यहाँ पर डबल टू सेवन डबल ज़ीरो डबल टू डबल टू सेवन डबल जीरो पर सेंटीमीटर और लास्ट वाले यहां इसी कॉरेस्पॉन्डिंग दिखा देंगे ठीक है ओके अब क्वेश्चन ये था कि आपको डेल्टा नोट की वैल्यू निकालनी है है ना वो निकालनी है हमें ओके okay. एक चीज देखो यहां पर हम ना इन दोनों को यूज नहीं कर सकते डेल्टा नोट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रीजन क्या है क्योंकि ये तो आगे जाके बैंड हो रही है तो इसमें हम श्योर नहीं है यहाँ पे डिफ, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे डिफरेंस अलग है आगे जाके डिफरेंस अलग जाएगा तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे हम इनको यूज़ कर सकते हैं दोनों को डिफरेंस कितना होगा देखो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक यह तक डिफरेंस कितना है या आप ऐसे कर लो ये है माइनस पॉइंट टू डेल्टा नोट कितना है माइनस वन पॉइंट टू डिफरेंस कितना होगा डिफरेंस कैसे निकालेंगे माइनस पॉइंट टू डेल्टा नोट माइनस माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा नोट कितना जाएगा वन डेल्टा नोट

वैल्यू निकाल ली अपनी डेल्टा नोट की इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाल किसकी बी डैश अब यह बी डैश क्या है यह है राका पैरामीटर इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ राका पैरामीटर पैरामीटर बेसिकली क्या होता है राका पैरामीटर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को दिखाने के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा हम क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास लेट्स से सिर्फ क्रोमियम थ्री प्लस है सपोज

तो उनका आपस का रिपल्शन क्या हो जाएगा कंपेरेटिवली कम हो जाएगा ठीक है और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को तो अगर मैं ये बोल ये वाली बी की वैल्यू मेटल आइन की है तो अब क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज कर गए हैं इसके लीगेंट्स के ऊपर तो यहाँ पर कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाएगा इसकी वजह से हम बोलेंगे ये हमने लिखा बी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है तो क्या बोलेंगे यहां पर आके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गया है क्योंकि डीलोकलाइजेशन और इलेक्ट्रॉन्स की लिगेंड्स के ऊपर है ना तो यहां पर अगर रिपल्शन कम है तो ये वाली वैल्यू भी कम रहेगी तो यहां से हम बोलते हैं कि जो मेटल आयन की बी वैल्यू है वो ज्यादा होगी फ्री मेटल आयन की और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा उस वाले केस में वैल्यू कम हो जाएगी और यही हमारे पास एक एविडेंस होता है कि वहां पे क्या है कोवलेंट करेक्टर है बॉन्ड में कोवलेंट करेक्टर है ठीक है तो क्या करते हैं जो हमारे पास मेटल आयन है उसकी वैल्यू को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को और यहां पर हम बी डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपको यही वाली क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपके पास तीनों ट्रांजिशन की वैल्यू जैसे यहां पर अवेलेबल है, है ना तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं फिफ्टीन बी डैश इज इक्वल टू न्यू थ्री प्लस न्यू टू माइनस थ्री न्यू वन और यहां पर ध्यान रखना ऐसे होता है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का न्यू थ्री बोलेंगे मिनिमम को न्यू वन बोलेंगे ऐसे तो मेन फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है बस अब सारी वैल्यूज आपके पास है आप डायरेक्टली बी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो तो ये हम सॉल्व कर लेंगे इसको फिफ्टीन बी डैश इज इक्वल टू न्यू थ्री कितना है थ्री डबल फोर डबल जीरो पर सेंटीमीटर ध्यान रखना सबके यूनिट सेम होनी चाहिए अभी तो क्वेश्चन में साइज सेम गिवन है अगर एक में वैल्यू डिफरेंट आते हैं आपको चेंज करना पड़ेगा सबको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा प्लस सेकेंड वाली कितनी है डबल टू सेवन डबल जीरो माइनस थ्री इंटू वन फोर नाइन डबल जीरो ठीक है इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स पर सेंटीमीटर सबसे क्लोज किसके है वो एट थर्टी के ही ना तो यहाँ पर हमारे पास ये तो डेल्टा नोट की वैल्यू है ये अपने पास बी डैश की वैल्यू आ गई तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी एक और चीज ये वाली किसी को थी कौन से वाले ट्रांजिशन के और अगल डायग्राम देखो कौन सा ट्रांजिशन है ये से से लेके 4 A2G से लेके 4 T2G. तो यहां पे ऑप्शन बी देखो फोर ए टू जी से लेके 4 T2G ही है. है ना? ये वाला गलत हो जाएगा तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन बी तो इस वाले क्वेश्चन का अपना आंसर आ जाएगा बी सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी हैप्पी लर्निंग